और छोटू ये तो लग रहा है भूत बंगला जैसा ही। हम लोग का दाल रोटी लग गया है, फिर मोहन भी खा लिया और चाय पानी भी हो गया। इधर भाई को बोल दिया कि पान लगा दीजिए, दो को पान लगा रहे हैं और ये बहुत दिन पर पान खा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपके दुआ से हम भी ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का 8 बज गया और देख सकते हैं अपना गाड़ी खाली गाड़ी है, कल खाली किए थे, अभी कोयला मंडी में है। तो देख सकते हैं अभी छोटू अपना उतर रहा है, चलते हैं अभी नाश्ता करने के लिए और लोडिंग का भी प्रोग्राम आ गया है। तो चलते पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद लोडिंग के लिए भी चलेंगे और बताएंगे कहाँ का लोडिंग है और कहाँ से। चलिए पूरी खाया जाए आज और जलेबी एकदम कराकर। और देखिए इधर हम लोग का नाश्ता आ गया, इधर सब्जी है आलू का और चना है, इधर जलेबी है, पूरी है। और देखिए यही मिस्त्री जी है, इतना टेस्टी बनाते हैं। चलिए फिर चलिए दोस्तों, नाश्ता पानी तो हो गया है, चलते हैं लोडिंग के लिए। और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर जाना है, ज्यादा नहीं, तो चलते हैं अभी लोडिंग करते हैं और माल अपना लोड होगा जो गिरिडीह का होगा। तो चलिए ठीक है। दोस्तों हम तो आ गए हैं गाड़ी लेकर के, अभी लेबर लोग आया नहीं है, लेबर लोग लगभग 9 बजे के बाद आएंगे, तब जा करके अपना गाड़ी लोडिंग शुरू होगा। तो देखते हैं गाड़ी से पलटी होगा कि गोदाम से होगा, अब तो लेबर आएगा तो बताएगा, चाहे मुंशी आएंगे तो बताएंगे। तो चलिए अभी थोड़ा देर यहीं पे खड़ा रहते हैं और लेबर लोग आते हैं फिर लोडिंग शुरू होगा। लेबर लोग आए थे कि गाड़ी लगाइए गोदाम में, तो देखते हैं पहले जाकर किधर से लगाना होगा गाड़ी, चलिए पहले देख करके आते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों अभी साफ सफाई कर रहा है छोटू और नीचे फर्श में तिरपाल बिछाएगा ताकि जो लोड होगा तो गंदा नहीं होगा कोयला का। और इधर देख सकते हैं इसी गोदाम से लोडिंग होगा यहाँ पे, और अपना माल जो लोड होगा वो चना होगा नहीं तो दाल उल होगा, यही सब है। तो चलिए अभी फर्श में तिरपाल बिछा देते हैं फिर पैक करते हैं गाड़ी को। गोदाम में पैक कर दिए हैं गाड़ी अपना, तो देख सकते हैं और यही सब माल लोड होगा। चलिए अभी डाला खुल रहा है, चलिए ये देखिए फर्श में भी तिरपाल बिछ गया है और यही सब माल लोड हो। यहाँ पे लगेगा ना, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, ठीक है कर देते हैं, कर देते हैं, ठीक है ठीक, थोड़ा सा पीछे करवा देते हैं। तो छोटू गया हुआ है पैक कर रहा है, थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ, जरा सा आगे बढ़ो, जरा सा आगे बढ़ो। चलिए लग गया है, अभी पटरा उटरा बांधेंगे। और आदमी आ रहे हैं। और छोटू ये तो लग रहा है भूत बंगला जैसा ही। हाँ? और सब में मार्का मारा हुआ है, देख सकते हैं लखीसराय मुंगेर जमुई हाजीपुर, मतलब यहाँ पे है कि सब एरिया एरिया का माल जैसे रखा रहता था, जैसे पटना सिटी तो सबका एरिया एरिया, पहले इस समय माल जैसे मुंगेर जाने वाला तो यहाँ रहता था, पटना सिटी जाने वाला यहाँ रहता था, उसी तरह अभी तो माल बहुत कम आ रहा है क्योंकि जब से GST लागू हुआ है तब से कम आ रहा है माल, क्योंकि जब से GST लगा है जब से डायरेक्ट चला जाता है और इधर से कोयला भी डायरेक्ट चला जाता है, इसलिए मंडी का भी पोजीशन गड़बड़ हो गया है। और देख सकते ये गाड़ी एकदम खंडहर में पड़ा हुआ है, ये देखिए ये अब कबाड़ी में जाएगा, ये सब ये गोदाम वाले का ही गाड़ी होगा। चलिए अभी लेबर आ रहा है तब जा करके, और इधर देखिए अभी क्या कर रहा है, बॉडी बना रहा है, बॉडी बना रहा है इसमें ना, ये चना है, दाल है, चना का दाल है शायद। तो चलिए लेबर के आने का इंतजार करते हैं, एक आदमी तो आए हुए हैं और आदमी आ जाएंगे। दोस्तों गोदाम में तो गड़िया घुसा दिए है और यहाँ पर 10 टन लोड होगा,
और वो गाड़ी बाहर में है तो 15 टन में से पलटी होगा। तो चलिए 10 टन पहले यहाँ से लदवाते हैं। अभी लेबर भाई लोग आया नहीं था, एक एक आया था और सब आ रहा है, तो फिर लोडिंग शुरू हो जाएगा। बाहर से भी पलटी होगा? हाँ, बाहर से भी पलटी। वो गाड़ी खड़ा है, 14 चक्का गाड़ी है, वो गाड़ी बाहर में खड़ा है, उसमें से पलटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गोदाम में लोड कीजिए चाहे पलटी कीजिए, बस बगल में है गाड़ी खड़ा। चलिए वो भी दिखाते हैं। और बाकी माल ये गाड़ी से लोड होगा, ये गाड़ी से लोडिंग होगा। और ये भाई भी पीछे से तिरपाल खोल करके रखे हुए हैं और यहीं से लोड हो जाएगा, यहीं पे बैक कर देंगे, आगे जा करके बैक कर देंगे, इससे लोडिंग हो जाएगा 15 टन माल। और दोस्तों फाइनली लोडिंग शुरू हो गया है, तो देख सकते हैं इधर ये माल जा रहा है। चलिए अभी शुरू हुआ है, अभी एक छल्ली भी नहीं हुआ है। चना है क्या? चना है, चना है। और दोस्तों गोदाम में तो लोड हो गया है लगभग 10 टन के लगभग में, तो देख सकते हैं ऊपर में माल लोड हो गया है गोदाम में, और गोदाम से हम बाहर भी निकाल चुके हैं। तो देख सकते हैं ये गाड़ी से अभी पलटी हो जाएगा अपना गाड़ी में, तो अभी लगा दिए हैं सटा करके, और अभी ये लोग लगेंगे और पलटी कर देंगे, इसमें से 15 टन माल इसमें जाएगा अपना में। तो चलिए ये लोग भी अब चढ़ रहे हैं। चलिए चलिए मारिए, हमको भी खाली करना है कल, क्योंकि छठ में हमको भी तो जाना है गाँव। हाँ ठीक है, लग रहे हैं ये लोग जल्दी से कर देंगे। दोस्तों फाइनली अपना गाड़ी लोड हो गया है, तो देख सकते हैं इधर अभी पटरा लगा रहा है छोटू। चलिए अभी पटरा लगाते हैं, उसके बाद रस्सी तिरपाल होगा। अभी डाला वाला लगवाते हैं, पटरा लगाने के बाद उसके बाद रस्सी तिरपाल होगा, यही भैया लोग करा देंगे रस्सी तिरपाल भी। और देख सकते हैं दोस्तों अभी तिरपाल बिछाने का अभी शुरू किया जा रहा है, 2 गो लेबर लगे हुए हैं और छोटू भी लगा हुआ है। और बीच में गिरावा, चलिए अभी तिरपाल बिछवाते हैं और बनवाते हैं। और दोस्तों गिरिडीह से व्यापारी भी हमको फोन किए थे कि भैया आप निकल गए हैं, कि ट्रांसपोर्टर तो बोल दिया था कि भैया हम गाड़ी छोड़ दिए हैं और कल सुबह सुबह एकदम आराम से पहुंचेगा, लेकिन उस समय हमारा गाड़ी लोडिंग हो रहा था जब भी फ़ोन किए हैं, तो हम बोले कि देखिए निकले तो नहीं है, अभी लास्ट छली बचा हुआ है और तिरपाल बांधना बाकी है, तिरपाल हो जाएगा, बस हम भी कोशिश करेंगे निकलने का, क्योंकि हमको भी छठ में गाँव जाना है, तो हम भी अपने जल्दी में है कि जितना जल्दी उसको खाली करें और गाड़ी का हिसाब दें और घर भी चले जाएँ, तो हम खुद जल्दीबाजी में है। तो चलिए अभी रस्सी तिरपाल करवाते हैं। दोस्तों रस्सा तिरपाल बना करके रेडी हो गया है, तो हम लोग भी अब चलने का तैयारी कर लिए हैं, तो देख सकते हैं पेपर भी मिल गया है, बिल्टी मिल गया है, तो चलिए निकलते हैं फिर चलते हैं। जा जा जा, 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 जा। जा बाएं से, बाएं जा, जा बाएं से ही है। दोस्तों अभी आ चुके हैं रामनगर बाईपास में, तो चलते अभी खाना खा लेते हैं, अभी 2:45 बज गया है समय, तो चलिए खाना खा लेते हैं, भूख भी लग गया है, सुबह का कचौरी पूरी खाए हुए हैं। तो देख सकते हैं हम लोग का दाल रोटी लग गया है, चलिए एक ही दाल लगवा लिए हैं और मक्खन है ना, चलिए फिर खाया जाए। ये देखिए खाना पीना तो हो गया है, अब निकलने का तैयारी कर रहे थे जब तक नजर पड़ गया टायर पर, और देख सकते हैं स्क्रू है ये टायर में हल गया है, लेकिन लग रहा है छोटा है, क्या छोटू? हाँ छोटा है। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा। तो चलिए अब निकलते हैं फिर चलते हैं।
बिहार में इन कर चुके हैं, अभी बिहार बॉर्डर पर, मोहनिया बॉर्डर। तो मोहनिया बॉर्डर तो पार कर गए हैं, लेकिन आगे में इधर जाम कर दिया है, लोग खड़ा कर दिया है चाय पानी पीने के लिए, इसलिए जाम है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है इसी में धीरे धीरे, और आगे में डाइवर्सन है इस कारण से और जाम है। चलिए ज्यादा देर तो लगेगा नहीं, तुरंत निकल जाएंगे। जो लगा है समय मोहनिया बॉर्डर में लगा है, लगभग 20-25 मिनट लगा है, ज्यादा नहीं लगा है। तो चलिए अब निकल चुके हैं, आगे चल के कहीं नहाया जाएगा। अब तो नहाएगा, तो चलिए नहाया जाएगा कहीं पर होटल पर। दोस्तों अभी मोहनिया पार करके रुके हुए हैं और चलते यहीं पे अभी नहा लेते हैं। तो देख सकते हैं सामने होटल है और सामने सहरा भी है, नहाने का बढ़िया व्यवस्था। तो चलिए नहाते हैं फिर। टायर भी कमजोर हो गया, अब ये तो टायर जो है उधर से आने में उड़ गया था, कोयला लोड गाड़ी में उड़ा था। चलिए अभी नहाया जाए फिर, और नहा धोवा करके फ्रेश हो गए हैं एकदम। और देख सकते हैं छोटू अभी नहा रहा है, अभी नहा रहा है छोटू। तो चलिए अभी चलते हैं चाय पीने के लिए, जब तक छोटू भी आ जाएगा। चलिए हमारा चाय आ गया है, और छोटू आएगा तो पिएगा फिर, जब तक हम पीते हैं। चाय पी करके तो आ गया, अभी छोटू जाएगा, जब तक इधर शीशा भी साफ कर ले रहा है। तो देख सकते हैं अभी शीशा साफ करने का अभी शुरू किया है। चलिए शीशा उसा साफ करके अगरबत्ती जलाया जाए, तो उसके बाद छोटू चाय पीने जाएगा, फिर यहाँ से निकला जाएगा। अगरबत्ती भी जला दी है और चाय पानी भी पी करके आ गए हैं। ठीक, चलिए ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं। चलिए तब निकला जाए फिर। दोस्तों अभी शाम का 7 बज गया है और सासाराम टूल टैक्स पार करके रुके हुए हैं, और छोटू गया हुआ है बिस्कुट लेने के लिए दुकान पे। भूख लग गया है तो छोटू को बोले कि बिस्कुट लेकर के आ जाओ, कम से कम भूख खत्म हो जाएगा थोड़ा देर के लिए, आगे चल के कुछ खाया जाएगा। और खैबो करेंगे तो अभी तो खाएंगे नहीं, क्योंकि रात भर गाड़ी भी चलाना है। तो देखेंगे 11 बजे के लगभग में कुछ खाया जाएगा। बिस्कुट नहीं खाते, चूरा भुजा ले लिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों सरघाटी पार करके अभी रुके हुए हैं टायर चेक करने के लिए, तो चलिए पहले टायर को चेक कर लेते हैं। और टायर तो सही है, रात का 10:30 बज गया हुआ है। चलिए ठीक है, 5 मिनट यहाँ पे रुकते हैं, फिर यहाँ से निकला जाएगा। दोस्तों अभी 12:30 बज गया है और अभी आ गए हैं चौपारण में, अपने गाड़ी लगा दिए हैं और आ गए हैं इधर दुकान पे। छोटू कब खाएगा रे? अभी घंघरे चल के खा लेंगे 2 बजे। हाँ। इसमें क्या चीज है? अच्छा इधर है, हमको दीजिए ना 2-3 को पीस दीजिए। फिर मोहन खा करके बस रहेंगे और सुबह सुबह पहुंचना भी है। तो ठीक है चलिए, खीर मोहन चौपारण का देख सकते हैं, यही 4 पीस ले रहे हैं, छोटू कह रहे हैं हम नहीं खाएंगे। अब चलिए चाय भी पी लिया जाए, मूड फ्रेश रहेगा। खीर मोहन भी खा लिए और चाय पानी भी हो गया। इधर भाई को बोल दिए कि पान लगा दीजिए, तो 2 पान लगा रहे हैं और पान खा करके ही निकला जाएगा। पहले तो हम लोग 10-10 पान बनवाते थे,
आपका पापा उस समय बना करके देते थे और उस समय कितना का था? 1.5 रुपए का पान। अभी कैसे है? 8 रुपए पीस है बताइए। बहुत दिन पर पान खा रहे हैं। उस समय था कि गाड़ी जो धनबाद से खुला एक बार बना रहा, सिर्फ चाय पानी पिए या जहाँ खाना खाना है खाए, बस डायरेक्ट चलिए उसको बांध दीजिए और दीजिए और निकलते हैं फिर। दोस्तों अभी बरकट्ठा पहुंच चुके हैं और छोटू को भी खाना खिला दिए और यहाँ से लगभग 2 घंटा लगेगा गिरिडीह जाने में, तो चलिए और समय भी ज़्यादा हो गया है, अभी 2:15 बज गया है, तो चलिए वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।